एक मुआशरा वो है जो इंसानों का मुआशरा है और एक मुआशरा वो है जो हैवानों का मुआशरा है। अब इंसानों के मुआशरे में और हैवानों के मुआशरे में आप किस तरह फर्क करेंगे? अब कुछ तकाजे हैं ना, जब इल्म के कुछ तकाजे हैं, जब आप अपने आप को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उनसे जुदा हूं, मैं उनसे बेहतर हूं। तो क्यों बेहतर हैं आप? आपके अंदर कौन सा ऐसा सुरखाब का पर लगा होगा जो उनके अंदर नहीं है? तो वो चीजें, वो हिलियात, वो आदाब, वो अतवार, वो अखलाक, वो चीजें जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगी तो आप में उसमें कोई फर्क नहीं है। आपने अपने आप को उससे जुदा करना है। तो सिर्फ ये कह देना कि मैं इल्म सीख लेता हूं, इल्म को पढ़ लेना, जब तक वो इल्म आपकी जात से नजर नहीं आएगा, जब तक वो आपकी वजूद से नजर नहीं आएगा, जब तक वो आपके अज़ा के एक एक अंग से टपक नहीं रहा होगा इल्म, उस वक्त तक वो इल्म इल्म नहीं है। वो शर्फ आपके लिए शर्फ नहीं है जब तक आप जुबान से जितनी मर्जी मरतबा कहते रहें, लेकिन इल्म वो है जो आपके अमल से जाहिर होता है।